कि पार्टी का 90 की 90 विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चल रहा है और जो पीछे सदस्यता अभियान चलाया था उसको और आगे कैसे बूथ लेवल पर लेकर जाए, बूथ योद्धा बूथ सखी के माध्यम से बूथ को स्ट्रेंथन कर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के चारों कोणों में पार्टी कार्यक्रम चल रही है, जिसके उपरांत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी भी दी गई है और संगठन का जो कार्य रहा है उसका प्रचार करने का जिम्मेवारी के साथ बढ़ा है। बात करें बिहार तो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ तो क्या मानते हैं इंडिया तो गठबंधन था उसका क्या? देखिए, मैंने पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन भानुमती का कुनबा है और ये कभी साथ नहीं चल सकता। अभी तो आप देख रहे हैं, आज नीतीश जी दूर हुए हैं, फिर ममता जी दूर होंगी, फिर आम आदमी पार्टी दूर होंगी और लास्ट में कांग्रेस अकेली रह जाएगी। ये तो कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा नाम अगर कोई होगा तो इंडी अलायंस हो। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, केजरीवाल कल उन्होंने कहा कि शिक्षा चिकित्सा रोजगार जैसे 4-5 मुद्दे तो पूरे कर दे तो वो राजनीति छोड़ दे। देखिए, पंजाब एक उदाहरण है जहाँ उनकी संपूर्ण सरकार है। आज पंजाब की अर्थव्यवस्था इतनी बुरे हाल में है कि वहाँ 6-6 महीनों से एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दी जाती। दिल्ली में तो ये बहाना था केजरीवाल जी पर कि केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब तो नहीं है। शिक्षा चिकित्सा की बात करने वाले लोग ये तो बताएं कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री होकर अपने ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं बचा पा रहे। आज हरियाणा जनसंख्या में भी उनसे छोटा है, क्षेत्रफल में भी उनसे छोटा है, पर उनसे ज़्यादा GST कलेक्ट करता है, उनसे ज़्यादा आज टैक्स कलेक्ट करता है प्रत्येक सेक्टर के अंदर, और डेवलपमेंट के अंदर भी सबसे ज़्यादा योजनाएं किसी प्रदेश ने बनाई है तो हरियाणा प्रदेश ने बनाने का। बात करें कांग्रेस की, काफ़ी स्क्रीन वादे किए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री होगा, पेंशन बुढ़ापा 6,000 करोड़। जनता बहुत जागरूक है, ये लुभावनी वादे जो कांग्रेस कर रही है तो राजस्थान में भी हमने देखा था। राजस्थान में तो 25 लाख की हेल्थ स्कीम बना दी थी आयुष्मान के ऊपर जाकर भी, वहाँ पर तो मिर्च मसाले भी राशन डिपो के माध्यम से दे दिए गए थे, उसके बाद भी जनता समझी और जानी और संता ने फैसला किया। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा हो देश हो, कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद कांग्रेस पूरी तौर पर बिखर जाए। लोकसभा चुनाव आने वाले तो जेजेपी बीजेपी हरियाणा में मिलकर लड़ेंगे क्या? देखिए, NDA अपना काम कर रहा है, आज भी प्रदेश को स्थिर सरकार हमने पिछले 4.25 साल से दे रखी है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। ये तो समय पे बैठ के सीट शेयरिंग का निर्णय होगा और कैसे आगे बढ़ेगा तो भविष्य बताएगा। 9 फरवरी कांग्रेस की रैली होने जा रही है चरखी दास जिले में, क्या कुछ कहेंगे सर? सारी पार्टी अपनी रैली कर रही है, कौन से हम रुक रहे हैं वो रुक रहे हैं।